दोस्तों, आज हम बनाएंगे आटे और बेसन की कुकीज, जो भी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो आइए हम बनाते हैं आटे और बेसन की कुकीज। ये हमने एक कटोरी घी लिया है, ये सारा हम इसके अंदर हम जमा हुआ घी लेंगे, मेल्ट नहीं लेंगे। आप बटर भी लेंगे तो भी वो ऐसा ही होना चाहिए कुकीज के लिए, ज़्यादा पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। और अब हम लेंगे एक कटोरी शक्कर लेंगे, आप चीनी भी ले सकते हैं। ये इसमें डाल के हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे, बिल्कुल हमें बीट कर लेना है इसे अच्छे से। ये जब इस तरह की पोजीशन में आ जाए, ये देखिए ऐसे, तब हम इसमें एक कटोरी वीट फ्लोर लेंगे आटा, और हम आधा कटोरी बेसन का लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, ये बेकिंग पाउडर है, आधा चम्मच डाल देंगे हम इसमें। और पिंच हम डालेंगे बेकिंग सोडा, बस वन पिंच हमें बेकिंग सोडा की डालनी है, बस इतना। और हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, बिल्कुल पिंच ऑफ इलायची पाउडर डाल देंगे हम इसमें। अब इसे हम बाइंड कर लेंगे ये सब चीज़ें डालने के बाद। ये देखिए, हम इसमें वन पिंच नमक की भी ऐड कर देंगे। और अब इसको अच्छा सा एक डो तैयार कर लेंगे हम। ये वैसे तो इसमें पानी और दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये थोड़ा कम रहता है तो आप हल्का हल्के दूध के साथ भी इसे बाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, हमने अच्छा से डो लगा लिया है। अब ये डो लगाने के बाद हम अपनी ट्रे को, अवन ट्रे को ग्रीस कर लेंगे। आप डबल कोटेड पैन में भी इसे बना सकते हैं। अब मैं इस ट्रे को कोटेड कर लूँगी। आप इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, या मैदे से ग्रीस कर सकते हैं आप इसे। मैं इसे A4 शीट से ग्रीस करने वाली हूँ, या फिर आपके पास कोई चीज़ पेपर हो तो आप उससे भी इसे ग्रीस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए, मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है इसे। अब मैं इसे ये A4 शीट रख लूँगी, आप कोई भी A4 शीट लेके उसे ग्रीस कर सकते हैं अच्छे से, वो चीज़ पेपर का ही काम करेगी। देखिए, हमने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस ट्रे पर ऐसे छोटे छोटे बाउल बना के रख लेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इसे ऐसी शेप देने वाली हूँ, और इसके ऊपर मैं ये ऐसे डिज़ाइन बना दूंगी। आप चाहे तो कुछ और भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ऐसे कट कर सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो शेप इसे दे सकते हैं। मैं इसे ये शेप देने वाली हूँ। ऐसे करके मैं सारी कुकीज़ बना लूँगी। ये देखिए, हमने सारी कुकी तैयार कर ली है इस ट्रे के अंदर। अब मैं इस ट्रे को, मैंने अवन को 170 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है, और मैं इसे 15 मिनट के लिए बेक करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। हम इसे चेक कर लेंगे। अगर आप डबल कोटेड पैन में इसे पकाते हैं तो ये 30 मिनट में पककर तैयार होती है सिम गैस पर। तो आइए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। ये देखिए, अवन को हमने 170 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है। अब हम इसे सेट कर देते हैं 15 मिनट के लिए। ये लीजिए, 15 मिनट के लिए हम इसको सेट कर देते हैं। आइए चेक करते हैं हमारी कुकीज़ को। ये कुकीज़ हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये कुकीज़ कितने अच्छे कलर की बनी है हमारी। आइए अब हम इन्हें ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, कुकीज़ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें कर लेते हैं सर्व। इन्हें हम गार्निश करेंगे बादाम से। ये देखिए, आप भी इन्हें ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से मैं सारी कुकीज़ को अच्छे से गार्निश करूँगी। ये देखिए, कुकीज़ हमारी बनके रेडी हो गई है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब के लिए नमस्कार दोस्तों।